दोस्तों नमस्कार, एक बार चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। हम खड़े हैं इंदौर पलासिया चौराहे पर और इधर से देख सकते हैं ये वाला रास्ता जो है ये एमजी रोड से आता है। इधर वाला रास्ता भंवरकुआ और बोल सकते हैं एबी रोड पे खड़े तो मुंबई चला जाता है, और जो इधर वाला रास्ता है ये आगरा से आता है, इंडस्ट्री हाउस से ये वाला रास्ता आता है। तो अभी हम पलासिया चौराहे पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं इंदौर सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर है पूरे भारत में, 7 बार लगातार नंबर 1 आ चुका है। और आज हम बताने वाले आपको कि सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था और उनका बचपन किन गलियों में गुजरा था। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ यहाँ के वीडियोस बताते हैं आपको, यहाँ के जो साफ़ सुथरा इंदौर है वो बताते हैं, और फिर हम लेके चलते हैं आपको 2 मिनट में मुश्किल से सलमान खान के घर पर, जहाँ पर उनका बचपन बीता था और जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उस हॉस्पिटल में भी। तो देखिए आपको बताते हैं इंदौर और उनका घर। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं आई लव इंदौर, जो कि पलासिया चौराहे पर है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और अभी चलते हैं सलमान खान के घर की साइड और आपको बताते हैं कि उनका बचपन कहाँ बीता और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ था। यहाँ पे बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आई लव इंदौर। इस जगह को सेल्फी पॉइंट भी बोला जाता है, जो कि पलासिया पर है। और यहाँ पर गांधी जी का चित्र है और यहाँ पर लिखा है प्लास्टिक भारत छोड़ो, और आप देख सकते हैं ये पूरा बोतल का बनाया हुआ है, जो कि प्लास्टिक की बोतलें होती है उसको कलर करके इसको बनाया हुआ है। दोस्तों वहाँ से जैसे ही आप चलते हैं और ग्रेटर कैलाश की साइड मुड़ते हैं तो आपको ये वाली ग्रेटर कैलाश रोड मिलती है। और देखिए यहाँ पर हमारे मोहन अंकल मिल गए थे हमें, ये सुबह साइकिल चला कर आ रहे थे। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते ही जो पहला लेफ्ट टर्न आता है उसे कहते हैं शहीद लेफ्टिनेंट गौतम जैन द्वार। तो इस द्वार में आपको मुड़ना पड़ता है और यहीं पे उनका घर आता है। दोस्तों हमारे पीछे शहीद लेफ्टिनेंट गौतम जैन द्वार, जो इस द्वार को नाम दिया गया है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये उनके चाचा जी का घर है जहाँ पे उनका बचपन बीता है। और इधर की साइड जो आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग है और एक और घर है जो कि इनके परिवार का ही है, और शायद ये जो फ्रंट वाली बिल्डिंग है ये भी इनके परिवार की है। बहुत समय पहले यहाँ पे एक ही घर हुआ करता था और उसके आसपास बहुत बड़ा बगीचा था, तो बाद में सबका अलग अलग होने के कारण यहाँ पर 3 से 4 मकान बन गए और एक बिल्डिंग बन गई है, आप देख सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि ये सेंट उमर स्कूल है, आईके कॉलेज परिसर भी बोला जाता है इसको। तो इसके बिल्कुल सामने सलमान खान का घर है और इन्हीं गलियों में इनका बचपन बीता है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये उनके चाचा जी का है। इधर भी एक घर है, आगे बिल्डिंग है जो कि इन्हीं के परिवार की है। और अब पास ही में यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, सरकारी हॉस्पिटल है। अभी वहाँ पे एक और नया आई हॉस्पिटल बन चुका है, तो चलिए आपको वहाँ पे बताते हैं। वीडियो यदि यहाँ तक आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें। कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब उस हॉस्पिटल में चलते हैं जहाँ पर उनका यहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेते हैं। इस रोड को आदर्श रोड बोला जाता है और ये इंदौर की सबसे अच्छी रोडों में गिनती आती है। इसकी आप देख सकते हैं सफाई कर्मी हमारे सफाई कर रहे हैं। इंदौर की सबसे अच्छी रोडों में गिनती आती है और इसी करीब करीब ये 200 से 300 मीटर की रोड बनाई गई थी और इसकी लागत आई थी 7 से 8 करोड़ रुपये। तो ये देख रहे हैं आप ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल, ये भी बहुत फेमस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो आपको बताते हैं दोस्तों 27/12 यानी कि 27 दिसंबर 1965 उनका जन्म हुआ था। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये कल्याणमल नर्सिंग होम है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ये वाला जो नर्सिंग होम है यहाँ पे ये इसको बोला जाता है कल्याणमल नर्सिंग होम, अभी यह फिलहाल बंद है। और ये जो नया यहाँ पर कॉलेज खुल गया है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई,
ये आँखों के लिए हॉस्पिटल खुल गया है। पहले यहाँ पे कल्याणमल जो नर्सिंग होम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली हुआ करती थी, इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा हरियाली हुआ करती थी। रोड बोल सकते हैं कि एक साइड जो रोड है इतना ही चौड़ा ये रोड था और यहाँ पे नीम के और बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। तो धीरे धीरे विकास हुआ, विकास के कारण रोड चौड़ी हुई, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी वो भी हटा दी गई थी और इस रोड को चौड़ा किया गया था। तो अब यहाँ पे इतनी हरियाली नहीं जितनी उस समय हुआ करती थी। तो आप देखिए इसे आदर्श रोड बोला गया है। और जो हॉस्पिटल हमने देखा वो है कल्याणमल नर्सिंग होम और इस रोड को बोला जाता है ग्रेटर कैलाश रोड। यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और हर बार गर्मी की छुट्टियों में वो यहाँ पर आते थे, यहाँ पर उनका बचपन बीतता था, इन्हीं गलियों में इन्हीं रोड पे उन्होंने मस्ती की है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया हूँ लेकिन आने वाले समय में रेगुलर वीडियो बने रहेंगे और अच्छी अच्छी जगह पर आपको ले जाते रहेंगे, इंदौर और इंदौर के आसपास की आपको जानकारी देते रहेंगे। यही वो जगह है, ये जो आप देख रहे हैं इसे कल्याणमल नर्सिंग होम बोला जाता है और यहीं पे उनका जन्म हुआ था। दोस्तों इस रोड का मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाली वीडियो की लिंक दे दूंगा जिसमें इस रोड की पूरी डिटेल दी हुई है।